बोलते बोलते बैठो और से हम नशा नहीं करेंगे। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा पुलिस ने आज नशा बेचने और नशा करने वालों को पकड़कर मुमरा की सड़कों पर इनका जुलूस निकाल डाला। इस दौरान ये नशा करने और बेचने वाले लोग जुलूस में ये कहते हुए सड़क पर चलते रहे कि ना अब नशा करेंगे और ना नशा बेचेंगे। मुमरा पुलिस ने जब इन नशा करने वालों का जुलूस निकाला तो मुमरा की आम जनता मुमरा पुलिस की तारीफ में तालियां बजाने लगी। दरअसल मुमरा पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई गीताराम शेवाले और पीएसआई हर्षद काले को यह जानकारी मिली कि मुमरा बाईपास टोल नाके के नजदीक रशीद कंपाउंड में कुछ लोग नशीला पदार्थ बेच रहे हैं और वहां बैठकर नशा भी करते हैं, जिसके बाद पीएसआई हर्षद काले अपनी टीम में दिलीप कृपन, गावित राजपूत, वैद्य कुंभार, जाधव महाजन इन सभी लोगों के साथ वहां पर पहुंचे और रशीद कंपाउंड में बनी वो खंडहर रूम जिसमें ये सभी लोग बैठकर नशा बेचते थे और वहां नशा करते भी थे। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी पीएसआई हर्षद काले अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे और इन सभी लोगों को इस खंडहर हुई रूम में पकड़ा है। ये लोग यहाँ पर नशा बेच रहे थे और नशा कर भी रहे थे। इन सभी 8 लोगों को पुलिस ने पहले खंडहर हुए कमरे से बाहर निकाला और उसके बाद पुलिस वैन में बिठाकर रशीद कंपाउंड से बाहर लाया गया और कौसा कब्रस्तान से लेकर गुलाब पार्क मार्केट तक इन 8 लोगों का पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। इस जुलूस के दौरान ये सभी लोग रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे हुए थे कि ये कहीं भाग ना जाए और रास्ते भर जुलूस के दौरान ये लोग यही कहते रहे कि अब ना नशा करेंगे और ना नशा बेचेंगे। यानी ये माना जा रहा है इस जुलूस के जरिए कि पुलिस अब नशा बेचने और नशा करने वालों के साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी। अब इसी तरह से इन नशा करने वालों का मुमरा की सड़कों पर जुलूस निकलेगा। आपको बता दें कि हर्षद काले और इनकी टीम ने जिस तरह से इस नशा करने और नशा बेचने वालों का मुमरा की सड़कों पर आज जुलूस निकाला, मुमरा की आवाम में इसके लिए काफ़ी खुशी है और लोगों ने पुलिस का तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि मुमरा पुलिस ने जिन 8 नशा करने और नशा बेचने वालों को पकड़ा है इनके पास से 1 किलो गांजा और 15 कोरेक्स की बोतल बरामद की गई है। पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि और कितने लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों की भी आगे गिरफ्तारी हो सकती है। भाई क्लैप करो पुलिस के लिए अपनी, एक ताली बजाओ क्लैप करो।